डियर स्टूडेंट वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। पिछली जो क्लास थी हमने गोली कोष के कारण विभव निकाला था, जिसमें तीन केस हमने पढ़े थे। गोले के भार विभव निकाला था वी आउट, उसका फॉर्मूला आता था के क्यू बाई स्मॉल आर। गोले की सतह पे जो विभव होता है वो तथा के क्यू बाई कैपिटल आर, और उसके जो अंदर विभव होता था वो उतना ही होता था जितना सतह पे होता है के क्यू बाई कैपिटल आर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था गोली कोष के कारण विभव। आज अपना जो गोला है वो ठोस गोला रहेगा और अचालक है वो गोला, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक गोला बनाते हैं, अचालक गोला है ये। इसकी जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं कैपिटल आर है, इसका केंद्र बिंदु है ओ। इसको हम एक समान रूप से आवेशित करते हैं, तो मान लेते हैं इस गोले को हमने क्यू आवेश एक समान रूप से इसके ऊपर वितरित किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस गोले से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P लेंगे जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, सॉरी विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लेंगे। अब यहां पर ध्यान रखना ये ठोस अचालक गोला है, तो इसमें जो आवेश है वो इसके आयतन में रहेगा एक समान रूप से वितरित। अगर एक गोले कोष होता तो जो आवेश है वो सारा उसकी सतह पे आ जाता, लेकिन ठोस अचालक गोला है तो इसको हमने जहां पर आवेश देते हैं वो आवेश वहीं पे रहेगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना इसमें जो आवेश है वो गोले के अंदर ही रहेगा जहां पर हमने दे दिया है, क्योंकि अचालक है इसलिए आवेश इसमें चल नहीं पाएगा। क्लियर है? तो ये बिंदु P है जहां पर अपने को विभव ज्ञात करना है। अगेन यहां पर भी तीन केस बनेंगे, जब P बिंदु गोले के बाहर होगा, सेकेंड केस होगा जब P बिंदु सतह पे होगा, और थर्ड केस होगा जब P बिंदु गोले के अंदर होगा। देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपने को पता है विद्युत विभव से हम विद्युत क्षेत्र निकालना, सॉरी विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो देखो फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू माइनस समाकलन E इंटू डी आर, और लिमिट होती थी इन्फिनिटी से स्मॉल आर। क्लियर है? अगर अपने को विद्युत क्षेत्र पता है तो हम विभव निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। क्लियर है कि नहीं? तो पिछले चैप्टर में हमने अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना सीख लिया था। तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र होता है ई आउट होता था के क्यू बटे में कैपिटल आर स्क्वायर। सतह पे जो विद्युत क्षेत्र होता है ये होता है के क्यू बटे में कैपिटल आर स्क्वायर, और गोले के जो अंदर विद्युत क्षेत्र होता था वो होता था के क्यू स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर क्यू। क्लियर है कि नहीं? ये तीनों फॉर्मूले हम पढ़ चुके थे, अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर, सतह पर और अंदर। आज हम बात करेंगे विद्युत विभव की। तो अपने पास दोनों में रिलेशन पता ही है, विद्युत क्षेत्र अपने को निकालना आता है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो आसानी से हम विभव भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? तो केस फर्स्ट लेते हैं, जब P बिंदु गोले कोष के बाहर स्थित हो। तो देखो बाहर स्थित हो तो क्या होगा, केस फर्स्ट जब P बिंदु, ये बिंदु P गोले के, गोला मतलब ठोस अचालक गोले की बात कर रहे हैं हम, गोले के बाहर स्थित हो, तो देखो जब बिंदु बाहर स्थित होगा तो इस केस में गोले की जो त्रिज्या है ये कैपिटल R, ये छोटी होगी इस स्मॉल R से। तो इस केस में हम लिख देंगे स्मॉल R विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्लियर है? दिख रहा है डायग्राम में? इस केस में स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से। ओके, तो अब अपने को विद्युत विभव की परिभाषा से
विद्युत विभव की परिभाषा से V इक्वल टू होता है माइनस समाकलन ए इंटू डी आर, लिमिट होती है अनंत से स्मॉल आर, क्लियर है भाई। तो अब हम क्या करते हैं, गोले के बाहर अपने को विभव निकालना है, तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला अपने को पता ही है, ये होता था के क्यू बटे में स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये ई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपना विभव निकल जाएगा बाहर, तो हो जाएगा V इक्वल्स टू माइनस समाकलन E। देखो E की वैल्यू हम पुट कर देंगे के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो यहाँ पर देखो K और Q नियत है इसलिए इसको समाकलन से बाहर निकाल देंगे, तो हो जाएगा माइनस के क्यू समाकलन 1/r² इंटू डी आर। अब हम क्या करते हैं, ये जो R की पावर 2 है उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की 2 हो जाएगी, तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो V इक्वल्स टू माइनस के क्यू समाकलन आर की पावर -2 हो जाएगा ये ऊपर जाकर, -2 इंटू डी आर, और लिमिट है अपनी अनंत से स्मॉल आर, अनंत से स्मॉल आर। अब देखो समाकलन का फॉर्मूला होता है x की पावर n का समाकलन, ये होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, मतलब जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो और वही डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर -2 है तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे समाकलन तो हो जाएगा r की पावर -2+1 अपॉन में -2+1, और लिमिट अब इस बड़े कोष्ठक के बाहर हम पुट कर देंगे अनंत से स्मॉल r, क्लियर है भाई। अब आर की पावर -2 और +1 ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ से देखो माइनस के क्यू आर की पावर -1 अपॉन में -1, लिमिट है अनंत से स्मॉल आर, क्लियर है यहाँ तक। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा के क्यू आर की पावर -1 है उसको नीचे ले जाएंगे तो ये आर की पावर +1 हो जाएगी, लिमिट है अनंत से स्मॉल आर, क्लियर है भाई। अब लिमिट सोल्व करनी अपने को आती है, एक बार हम इस वेरिएबल जो भी होता है यहाँ पर उसकी जगह अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद में लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो देखो लिमिट सोल्व करते हैं इसकी, तो लिमिट सोल्व करते हैं यहाँ पर देखो, तो V इक्वल्स टू के क्यू, एक बार R की जगह अपर लिमिट पुट करते हैं तो अपर लिमिट R ही है तो R की जगह R हो जाएगी, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, अब R की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जाएगा 1/ अनंत, और 1/ अनंत 0 होता है ये आपको काफ़ी बार बताया जा चुका है, तो 1/∞ ये 0 हो जाएगा और 1/r-0 तो 1/r आ जाएगा ये, तो फॉर्मूला आ जाता है अपना के क्यू बाई स्मॉल आर। तो ये गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र है तो वी आउट का फॉर्मूला आ गया अपना के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक बाहर का जो केस था वो अपना कंप्लीट हो गया है, अब हम सतह पे बात करेंगे। तो देखो सतह पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज होगा, क्या चेंज होगा उसको समझते हैं। तो केस सेकंड है अपना, जब बिंदु P गोले के सतह पर स्थित हो, गोले की सतह पर स्थित हो, तो देखो होगा क्या इस केस में, जब भी P बिंदु यहां पर आ जाएगा सतह पर तो P बिंदु की जो दूरी थी स्मॉल r, वो अब स्मॉल r और कैपिटल r जो हैं दोनों इक्वल हो चुकी हैं, तो स्मॉल आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे कैपिटल आर। तो देखो वी सतह जब हम निकालेंगे तो ये जो फॉर्मूला में स्मॉल आर है इसकी जगह कैपिटल आर हो जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा। तो देखो वी सतह को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो वी सतह के
के लिए फॉर्मूला बन जाएगा अपना के क्यू बटे में कैपिटल आर, बिकॉज सतह के ऊपर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाती है। तो ये है सतह पर विभव। इसको अगर आप निकालना चाहो तो सेम वही, जैसे ही डेरिवेशन किया था सेम वैसे ही डेरिवेशन होगा, बस लिमिट में थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। देखो अब उस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना है अपने को, यहाँ तक मतलब कैपिटल आर डिस्टेंस तक। तो जो लिमिट इन्फिनिटी से हम स्मॉल आर लगाते थे उसकी जगह अब कैपिटल आर कर देंगे, तो ये वाला फॉर्मूला अपना ड्राइव हो जाएगा अगर करना चाहो तो, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? ओके। तो केस थर्ड है अपना, जब बिंदु पी गोले के अंदर स्थित हो। तो अंदर स्थित होगा तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा ये जो केस है इसको अच्छे से समझना, इम्पोर्टेंट है ये। तो केस थर्ड है वो हम अगले वीडियो में समझते हैं।